हम सबको एतमाद में ले चुके हैं, उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीजें तय हुई। और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें, तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहता है। मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन अमान तबाह हो चुका है, केपीके जनूबी अजला बिलखसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे हैं और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है, घर छोड़ रहे हैं लोग, अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोजगार का मसला है, लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं। हम सबको एतमाद में ले चुके हैं, उनको एतमाद में लेने के बाद ये सारी चीजें तय हुई। और अगर पीटीआई ने वोट नहीं दिया तो उनके अपने मखसूस हालात थे जिसमें उनके फैसले से पहले कि हम वोट नहीं देंगे मैंने उनको मशवरा दिया था कि इन हालात में आप वोट ना करें, तो इस हद तक भी हमारा इत्तेफाक रहता है। मैं इसी पे तो रो रहा हूँ कि अमन अमान तबाह हो चुका है, केपीके जनूबी अजला बिलखसूस और तकरीबन तमाम कबायली इलाके इस वक्त बारूद में भस्म हो रहे और इंसानों का बेजा कत्लेआम हो रहा है, घर छोड़ रहे हैं लोग, अब उनके मस्जिदों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, उनके बैठकों में मुसल्लह लोग रह रहे हैं, बच्चों की तालीम का सिलसिला है, उनके रोजगार का मसला है, लोग अपने गांव छोड़कर दूसरी जगहों पे जा रहे हैं,